दोस्तों अगर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन बिना बताए आपको किसी कमरे में बंद कर दिया जाए तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसे 60 साल पहले एक मशीन में कैद कर दिया था और वो आज तक उसी हालत में जीने को मजबूर है। इस शख्स का नाम है पॉल अलेक्जेंडर, जिनके जीवन जीने की ललक, समाज और दुनिया के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत और दूसरों को प्रेरणा देने जैसे नेक मकसद को जानकर आप भी भावुक हो जाएंगे। बता दें, पॉल अलेक्जेंडर जब 6 साल के थे तब इन्हें पोलियो हो गया था और शरीर में लकवा मार गया था। आज ये करीब 77 साल के हैं और दुनिया के उन आखिरी लोगों में से एक है जो अभी भी लोहे के फेफड़े की मदद से जी रहे हैं। पॉल का जन्म 1946 में हुआ था। 1952 में अमेरिका में पोलियो ने कोहराम मचाया और इसका ये भी शिकार बने। इनकी गर्दन के नीचे का हिस्सा काम नहीं कर रहा था, सांस लेने में भी दिक्कत थी। जान बचाने के लिए इन्हें आयरन लंग मशीन में रखा गया। बता दें, ये लोहे की मशीन उस दौर में वेंटिलेटर जैसी खास मशीन थी जिसका आविष्कार 1928 में हुआ था। पॉल इस मशीन की मदद से जीने वाले यानी इसमें रहने वाले दुनिया के इकलौते इंसान हैं। जमाना बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन पॉल नहीं बदले, क्योंकि जिस मशीन ने उनकी जान बचाई थी वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। बता दे, आज भी पॉल इसी मशीन में बंद है और इसी में रहकर वो जी रहे हैं। इन्होंने इसी हालत में अपनी पढ़ाई पूरी की, वकालत में डिग्री ली और एक किताब भी लिख दी। ये आज की तारीख में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। अमेरिका में रहने वाले पॉल इस मशीन के अंदर बच्चे से जवान और अब बूढ़े भी हो गए हैं। वो एक कमरे के अपार्टमेंट में रहते हैं जिसमें खिड़की तक नहीं है। यकीनन जहां इंसान सब कुछ होते हुए भी अपनी किस्मत को कोसता है, वहीं इस इंसान ने एक मशीन में अपनी पूरी जिंदगी गुजार कर दुनिया को जीना सिखा दिया। तो दोस्तों, आपको इस इंसान की ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि यदि आपको भी एक मशीन में पूरी जिंदगी रहना पड़े तो आपको कैसा महसूस होगा। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।